हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हो, टैबलेट नोवी। दोस्तों, ये जो नोवी टैबलेट है, मैं इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो के एंड पे मैं इस नोवी टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो नोवी टैबलेट है, ये एक टैबलेट का स्ट्रिप में मिलता है, कीमत है 90 रुपीज। और इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है जी लेबोरेटरीज लिमिटेड। तो दोस्तों, ये इसका कंपनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस नोविल टैबलेट को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो नोविल टैबलेट है, इसके अंदर है हमारा लेवनॉर गैस्ट्रेल 1.5 mg। तो दोस्तों, ये इसका कंपोजिशन जो कि एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो इसके कुछ कंपोजिशन, तो चलिए हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में, कहां-कहां पे इस नोविल टैबलेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसका एक नॉट यूज किया जाता है एंड सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है, इसका सिर्फ एक ही यूज है, अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन। अगर तो आप अगर आप अपने पार्टनर के साथ अगर अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संबंध बनाते हो और उस दौरान कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आपने यूज नहीं किया हो, तो उस दौरान इस टैबलेट का आप ले सकते हो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में। अगर आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, या अगर आपने कोई प्रोटेक्शन यूज किया था लाइक कॉन्डोम्स, तो आपको लग रहा है कि अगर फट गया है, रैप्चर हो चुका है, तो अगर इसके वजह से आपका जो सीमन है आपके पार्टनर के वजाना के अंदर चला गया है, तो ऐसे केस में अगर आपको डाउटफुल केस में आप इस एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। सिर्फ और सिर्फ इसका यूज किया जाता है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, यानी आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली के रूप में। तो कुछ यूजेस, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज एंड ड्यूरेशन के बारे में। दोस्तों, इसका जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस डोज है, अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संबंध बनने के बाद जितना जल्दी लिया जाए उतना ही अच्छा है और इफेक्टिव रिजल्ट ये देता है। जितना जल्दी अगर आपने इंटरकोर्स किया, तुरंत बाद जब से ले सकते हो, कोई असुविधा नहीं होगा। तो कुछ इसका डोजेस, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, साइड इफेक्ट्स के रूप में इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, नोशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, अनवांटेड वजाइनल ब्लीडिंग, विथड्रॉल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई मिल सकता है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानी के बारे में कि क्या प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन को लेना चाहिए। दोस्तों, नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टिव मदर, जरूरत पड़ने पर सावधानी के साथ ले सकती है, कोई असुविधा नहीं होगा। तो कुछ सावधानी, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में कि ये जो टैबलेट है इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स कैसा है। दोस्तों, जहां जहां मैंने इसके यूज के बारे में बताया है एंड जो डोज एंड ड्यूरेशन में बताया है, अगर उस हिसाब से आप इसे ले रहे हो, देन इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे रेगुलर आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।